नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों बात करने वाला हूं आज यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही धमाकेदार अपडेट के संबंध में, और अधिक समय वेस्ट न करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ जूनियर असिस्टेंट 5512 की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर। देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि इस भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग जो कट ऑफ होगी वो बहुत कम जाने वाली है, और जिस छात्र ने इस भर्ती में अप्लाई नहीं किया है उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है शॉर्ट लिस्टिंग का वो आपका 50-51 इतना ही रहने वाला है, और ये बहुत ही कम कट ऑफ है। और अगर आपके नंबर 50 या 51 होंगे और आपने ये सोचकर अप्लाई नहीं किया कि मुझे मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भैया आपके पास केवल और केवल पछतावा रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो आपको दिसंबर में यानी कि अगले महीने में देखने को मिल जाएगी, और इसका कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाला है, ठीक है। और 50-51 कट ऑफ दोस्तों कुछ नहीं होता, बहुत ही कम होता है, बहुत ही आराम से इतना स्कोर आपका आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगले महीने जो है इसका शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी और आपका फरवरी तक इसकी परीक्षा भी संभावित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी में होने वाली एक मीटिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में एक बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित होने वाली है, और उस मीटिंग के बाद आपको विज्ञापन और ऑफिशियल नोटिस 100% देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आज सुबह की वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि एक ऑफिशियल नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और उसमें आपसे मैंने कहा था फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल है वो आपको मैंने बताया था कि नवंबर के लास्ट में 100% कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लेकर यूपी ट्रिपल एससी में एक मीटिंग है, और बहुत जल्द आपको फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। आने वाले 4 से 6 दिनों के अंदर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, और नवंबर के लास्ट में आपका फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस मीटिंग के बाद आपको एक विज्ञापन भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो विज्ञापन के लिए भी आप जो है बिल्कुल तैयार रहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो 2018 के रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर। देखिए इसको रिजल्ट को लेकर छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि सर जून में एग्ज़ाम दिया था और जून से नवंबर आ चुका है लेकिन अब तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। देखिए रिजल्ट को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। रिजल्ट को लेकर अभी मैंने कुछ देर पहले यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से बात की है, तो बात करने पर यही पता लगा है कि आपके परिणाम पर लगातार कार्य जारी है, ठीक है ना। और पूरी पूरी उम्मीद करिए कि नवंबर लास्ट तक आपको डीवी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसकी कट ऑफ को लेकर। देखिए कट ऑफ को लेकर मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात, यूट्यूबर जितने भी हैं ना, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो बड़े से बड़ा और कोई भी कोचिंग वाला हो, उनका आज भी यही ड्रामा है लेखपाल कट ऑफ को लेकर और वीडियो कट ऑफ को लेकर। वीडियो कट ऑफ को लेकर आज भी वो बार बार इसी राग को अलाप रहे हैं कि कट ऑफ जाएगा भैया 210 और 215 और 220। कोई कोई यूट्यूबर तो 220 कट ऑफ भेज रहा है। भैया आप किस दुनिया में रहते हो, धरती पे हो या नहीं, आप कुछ आपको जानकारी है या केवल छात्रों को आपको बेवकूफ़ बनाना आता है। 220 कट ऑफ, 215 कट ऑफ आप कहाँ से भेज रहे हो, है ना। 215 कट ऑफ आप भेज रहे हो 1/2 नेगेटिव मार्किंग में, पेपर लेवल ज़बरदस्त में, ट्रिपल सी का मैटर भी है, पिछली बार से 4.5 लाख बच्चे कम हैं, करप्शन बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, और उस कंडीशन में आप 215 कट ऑफ भेज रहे हो वीडियो की। बहुत बढ़िया, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी है आपने, इतना झूठ बोलना आपने कहाँ से सीखा है जो बच्चों का बेवकूफ़ बना रहे हो। दोस्तों ऐसे जो यूट्यूबर हैं ना और ऐसे कोचिंग वाले हैं, कृपया करके उनके इन भ्रम से दूर रहें। अपने आप को आप जितना इन बातों से दूर रखने में सफल हो जाओगे उतने ही आप प्रसन्न रहोगे, ठीक है ना। इन बातों पर 1% भी आपको भरोसा नहीं करना है,
210 215 कट ऑफ जाने का कोई भी तुक नहीं बनता है। जो लोग ये बोल रहे हैं उनको 1% भी एक्सपीरियंस नहीं है भर्तियों का, बस आए मुंह उठा के वीडियो बना दिया। ना वो ये देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, ना वो ये देखते हैं कि पिछली बार एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया था और इस बार कितनों ने दिया है, ना वो ये देखते हैं कि इस भर्ती में क्वालिफ़िकेशन क्या है, ट्रिपल सी का मैटर भी है, ट्रिपल सी कब का चाहिए, ये कुछ नहीं देखते। बस उनको क्या है, कट ऑफ भेजना है 75-80% पे, जैसे वो हर भर्ती का भेजते हैं ना 75-80% पे, ऐसे ही उनको वीडियो का कट ऑफ भी भेजना है ना। जो यूट्यूबर अंदर से बिल्कुल डीपली भर्ती का अध्ययन नहीं करता, वो कैसे आपको कट ऑफ बताएगा, आप मुझे खुद बताइए। उसको कट ऑफ बताने का ABCD कुछ नहीं पता, ठीक है ना। बस उनको क्या है, उन्होंने एक भर्ती का नाम सुन लिया, वीडियो है, और भैया सीधी सी बात है 75% या 80% कट ऑफ भेज देंगे हम, बात ख़त्म। तो भैया ऐसे लोगों से बचकर रहें, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं है। कट ऑफ को लेकर आपको मैंने बता दिया और आप भैया हैरान रह जाओगे, UP SSSC के इतिहास में अब तक इतना कम कट ऑफ किसी भर्ती का नहीं गया जितना वीडियो का जाने वाला है। मेरी बात आप याद रखना और जिस दिन परिणाम आएगा आप ताज्जुब करोगे कि सर आपकी बात सही हुई, और मेरी खबर का प्रमाण आपको DV के रिजल्ट पर ही मिल जाएगा। ये बात आप देख लेना, आपको अंतिम परिणाम देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको DV के रिजल्ट पर ही मेरी खबर का धमाकेदार प्रमाण देखने को मिल जाएगा। यही हाल चल रहा है दोस्तों लेखपाल की कट ऑफ को लेकर। लेखपाल की कट ऑफ को लेकर भी सांप बिल से बाहर फिर से आ चुके हैं और वो 80+ 80+ का राग अलाप रहे हैं और कोर्ट केस के नाम पर छात्रों से पैसे हड़प रहे हैं, ठीक है भैया। तो किसी के झांसे में ना आए और ना ही कट ऑफ इसका 80+ जाएगा। 78-79 लास्ट है, मैंने पहले भी बोला है लेखपाल कट ऑफ को लेकर और आज फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लोगों से बचकर रहें, और अगर आप ऐसे लोगों से बचने में कामयाब हो गए तो आपके दिमाग में कोई गलत भ्रम नहीं डाल सकता, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ UP SSSC की कौन कौन सी भर्तियाँ इसी साल में फाइनल हो जाएंगी, यानी कि नवंबर और दिसंबर में कौन कौन सी ऐसी भर्तियाँ हैं UP SSSC की जिनका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। भैया एक तो आपका हो गया सीधा सीधा कंबाइंड टेक्निकल का, ठीक है, एक आपका हो गया ASO का, एक आपका हो गया JEE 18 का, एक आपका हो गया मंडी का, और एक आपका हो गया लेखपाल का। ये पांच भर्तियां जो हैं इसी साल में यानी कि आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर फाइनल कर दी जाएंगी, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले इन पांचों की पांचों भर्तियों के छात्रों को खुशखबरी मिल जाएगी और आपका जो नया साल मनेगा बिल्कुल खुशियों वाला मनेगा, ठीक है ना। और बाकी इन पांच भर्तियों के अलावा कुछ और रिजल्ट भी हैं जो DV के रिजल्ट हैं जो जारी कर दिए जाएंगे, चाहे वो वीडियो का रिजल्ट हो चाहे वो आपका मुख्य सेविका हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आज की वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।